भिंडी मसाला, ये एक ऐसी सब्जी है कि जो हर एक के घर में अलग अलग तरह से बनती है, बट मेरे लिए भिंडी और अनियन का कॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइक वाव। तो बस हियर आई एम विद माय वर्जन ऑफ भिंडी मसाला। सबसे पहले भिंडी को वॉश कर लेना है और एक कपड़े से उसको ड्राई कर लेंगे। अभी मैं भिंडी को स्लाइस कर रही हूँ, आप चाहो तो राउंड कट्स भी कर सकते हो। जब ये हम भिंडी को कट करते हैं और लगे कि आपका नाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, तो नाइफ को पहले लेमन से ग्रीस करके फिर भिंडी को कट करने का, तो भिंडी के स्ट्रैंड्स जो होंगे वो नहीं आएंगे। अभी एक बोल में सारी चॉप्ड भिंडी को ट्रांसफ़र करना है और उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर एंड सम लेमन। ये स्टेप इसीलिए कर रहे हैं कि भिंडी जब हम कुक करेंगे तब उसकी लेसेस जो आती है वो नहीं आएगी, इसलिए हम भिंडी को मैरिनेट कर रहे हैं, बिकॉज लेमन इज गोइंग टू कट डाउन दोज लेसेस। नाउ फॉर फाइनल तड़का, टेक सम ऑयल, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एसाफोइटिडा यानी कि हींग, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, अदरक और लहसुन की पेस्ट, और ये सब चीजों को बहुत अच्छे से भूनना है। अभी जो मैरिनेट की हुई भिंडी थी वो ऐड कर लेंगे। मैं अनियंस बाद में डालूंगी, बिकॉज आई लाइक माई अनियंस टू बी क्रंची, इसीलिए सबसे पहले भिंडी को ऐड करके उसको थोड़ी देर कुक होने देना है, उसके बाद हम अनियंस डालेंगे। नाउ आई एम एडिंग अनियंस, अनियन की भी मैंने ऐसे ही स्लाइस की है। अभी हम मसाले करेंगे, आई एम एडिंग सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसको फास्ट फ्लेम पे पकने देंगे। आप देख सकते हैं भिंडी की लेसेस नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज हमने उसको मैरिनेट किया था। नाउ यू कैन सी कि ये सब्जी कितनी प्यारी बनने वाली है, इसका कलर और इसका टेक्सचर और इसकी क्रंचीनेस, इट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो बस 5 से 10 मिनट इसको पकने देंगे एंड वी विल सर्व। जब ऐसी सब्जी बने तो आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट। भिंडी एंड पराठा और भिंडी एंड फुल्का रोटी, वाओ, इट इज जस्ट अमेजिंग। दिस भिंडी इज सच कि जिसको आप लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। तो बस माई डिनर इज सॉर्टेड टुडे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और यस, मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।